अब आपको दिखाते हैं बिहार की स्टोरी। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और नेताजी अपने इलाके का हाल जानने गए थे और जब वो लोगों से बात कर रहे थे तभी नेताजी के सामने ही दो अधिकारी भिड़ गए और ऐसा भिड़े कि एक दूसरे को पीटने की धमकी तक दे डाली। बिहार के जमुई में बुधवार को उस समय एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब डीडीसी और कार्यपालक अभियंता आपस में भिड़ गए और ये सब हुआ जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह के सामने। जलजमाव की समस्या का जायजा लेने के लिए बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह दोनों अधिकारियों के साथ अपने इलाके में गई थी और वहां पर लोग उन्हें अपनी समस्या बता रहे थे। मामला तब बिगड़ा जब डीडीसी सुमित कुमार ने कार्यपालक अभियंता आदित्य कुमार से एक सप्ताह से की जा रही शिकायतों के बाद भी कार्रवाई ना होने पर सवाल किया। डीडीसी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि तुम यहाँ रहते नहीं हो, तुमको आने में कितना टाइम लगेगा। इस पर कार्यपालक अभियंता ने कहा कि डिपार्टमेंटल पत्र दिया जाना चाहिए था, बस इसके बाद ही शुरू होती है दोनों अधिकारियों में बहस। तुमको आने में लग गया एक सप्ताह, 15 कल आप सर बोले 15 दिन से तुम्हारा नंबर है तो पता कीजिएगा ना सर, पिटाई होगा तुम्हारा, समझ जो करना कर दीजिए। तुम्हारा लैंग्वेज तुम्हारा ठीक नहीं है, आपका ठीक है। जैसे ही मामला देख लेने और जो करना है कर लीजिए तक पहुंचा, तभी विधायक श्रेयसी सिंह रोकते हुए जूनियर अधिकारी को सलाह दी कि वो अपने सीनियर अधिकारी से ऐसे बात नहीं करते। तुम्हारा लैंग्वेज तुम्हारा ठीक नहीं है, आपका ठीक है। लेकिन मामला यही नहीं रुका, दोनों अधिकारियों में फिर से बहस हो जाती है। तुम्हारे पास कितना टाइम लग गया? डिपार्टमेंट को चिट्ठी देंगे कि तुमको आने में लग गया एक सप्ताह, 15 कल आप सर बोले 15 दिन से तुम्हारा नंबर है तो पता कीजिएगा ना सर। हालांकि कुछ देर बाद डीडीसी शांत हुए और फिर सही तरीके से कार्यपालक अभियंता से नाले के पानी के बहाव को लेकर सवाल पूछा। हालांकि मीडिया से बात करते हुए कार्यपालक अभियंता ने स्वीकार किया कि वरिष्ठ अधिकारी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, गलती हो गई। लेकिन कहते हैं अपश्चाताप होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक वैसा ही यहां भी हुआ। कार्यपालक अभियंता ने भले ही अपनी गलती मान ली हो लेकिन इस सोशल मीडिया के जमाने में वीडियो वायरल होने के बाद दोनों अधिकारियों की खूब चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।